चिच्चा नमस्ते। रमजान का महीना है और हैदराबाद में कहीं भी जाओ लिख के दे रू खाना तो जबरदस्त मिलता। वीकेंड के दिन कोई डाइट किट फॉलो नहीं करते अपन, इसलिए सीधा ग्रिल लाइन को जाके हलीम ऑर्डर करा। हलीम तो इंशाल्लाह इतना जबरदस्त था यहाँ का, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज मम्मी के साथ बाहर आया और मम्मी हलीम नहीं खाती, इसलिए ग्रीन लाइन के बाजू हल्दीराम्स जाके एक दाल कचौरी और पालक रोल ऑर्डर किया मम्मी के लिए। फिर हम दोनों खाना खाने के बाद वहाँ से निकल गए। ऐसा कोई प्लान वन नहीं था, इसलिए कहाँ घूमना बोल के हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। घूमते घूमते टैंगमन तक पहुँच गया और वीकेंड के दिन यहाँ पर अलग ही वाइब रहता, मतलब बहुत लोग चिल करने आते हैं यहाँ पर। और आजकल तो यहाँ पर इतने सारे स्ट्रीट फूड एंड स्ट्रीट वेंडर्स अलग अलग सामान बेच रहे हैं, आप लोग देखते देखते थक जाते हैं। देख रहे इतने में मम्मी खुश हो गई। हम लोगों ने थोड़ा देर तेलंगाना के अमरा ज्योति के सामने टाइम बिताया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर है, और ये बोलते हुए बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है हैदराबादी होने का। इसके बाद हम लोग आ गए बेगमपेट के नेचुरल्स आइसक्रीम खाने। ये आइसक्रीम शॉप में हमेशा भीड़ रहता और मेरे मम्मी को यहाँ का आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली मैंगो फ्लेवर वाला। मैं तो कोकोनट फ्लेवर वाला आइसक्रीम लिया और मम्मी के लिए मैंगो। आप लोग यहाँ पर कभी आइसक्रीम खाए तो कमेंट पे लिख के बताओ कौन सा फ्लेवर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम। इतना घूमने के बाद थक गए तो सीधा घर को वापस चले गए। नेक्स्ट डे होली था तो घर के पास होलिका दहन सेलिब्रेट कर रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो कर लेना।